हेलो स्टूडेंट्स, हर साल की तरह आप लोगों को इस साल भी वार्षिक पेपर के लिए प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलो, जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन सभी की आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो आज के वीडियो में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। इस साल थोड़ा सा जल्दी मैं प्रश्न दे रहा हूँ। हर साल क्या है, पेपर के दिन या उससे एक दो दिन पहले मैं सारे प्रश्नों को देता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले मैंने इन सारे प्रश्नों को एनालिसिस कर लिया है और उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, देखो ये जो है 5 नंबर का आएगा। आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में दो पैसेज आएगा, एक 12 नंबर का और एक 5 नंबर का। तो अभी मैं अभी 5 नंबर का दे रहा हूँ, 12 नंबर वाला भी इसी वीडियो में दूंगा। तो 5 नंबर में कौन कौन सा आपको पढ़ना है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये अध्याय से संबंधित पैसेज रहेगा। तो अध्याय से संबंधित पैसेज में आपको पहला पैसेज ये वाला देखना है। देखो यहाँ पे ये आपको आसानी से परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में मिल जाएगा, ठीक है। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो ये अराउंड 10 ईयर एगो देन वाला है ना, ये वाला, ठीक है। ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। ये आसानी से आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग एक बार देख लेना, इसका उत्तर भी यहीं पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिनके पास नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और ये प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर है और ये रहा सारे प्रश्नों का उत्तर इस तरीके से। ये पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ये वाला 1 डे, ठीक है, इसे देख लो, 1 डे वाला है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज और अनसीन पैसेज जैसे है ना, तो ये थोड़ा सा चेंज होते रहता है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आए। हाँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अगर वो नहीं आता है तो आप कहीं पे भी उसे नहीं पाओगे, ठीक है। कहीं पे भी नहीं रहेगा, ना वो बुक में रहेगा ना गाइड में, कि कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि पैसे जो है ना, पैसे से संबंधित कुछ प्रश्न जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपके बुक से ही हो या फिर कहीं से भी हो, है ना, बाहर से भी हो सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट जो है ना वो रेयर होता है, मैं पहले ही कहता हूँ, कुछ सब्जेक्ट रेयर होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट रेयर, जैसे कि ये सब्जेक्ट रेयर है, और एक होता है आपका संस्कृत सब्जेक्ट, उनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बुक से होता ही नहीं है, बाहर से लिया जाता है। तो ऐसे टॉपिकों को ना तो मैं दे सकता हूँ, ना तो कोई भी आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप कहो मैथमेटिक्स कहो, कह सकते हो, मतलब गणित में कह सकते हो, सामाजिक विज्ञान विज्ञान कहोगे, तो वहां के प्रश्नों को मुझे पता है कौन कौन सा आने वाला है, तो वो ज्यादा रेयर नहीं होता है, वो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। पर इन सब्जेक्टों के जो टॉपिक है इनको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है, इसीलिए इनमें जो प्रश्न है ना, हम फिक्स एक दो प्रश्न नहीं देते, इसलिए हम लोग कम से कम 4 प्रश्न देते हैं, क्योंकि एक नहीं आएगा तो उन चारों में से कोई तो आएगा, इसलिए यहाँ पे एक के मुकाबले 4 प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि ये दूसरा आप देख सकते हो, ये प्रश्न है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ना, आपको बाद में ये ना लगे कि सर आपने तो बताया है प्रश्न आया नहीं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि प्रश्न वो आते हैं जो पहले से बुक में है, और पहले से बुक में वो टॉपिक तो मैं आपको दे दूंगा, तो वो टॉपिक आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे अनसीन पैसेज पैसेज है, वो बुक में नहीं होता रहता है, ये लोग बनाते हैं पैसेज को, या किसी दूसरे राज्य के जो पैसेज है उसको लाकर यहाँ पे डाल देते हैं, इसी वजह से वो पैसेज जो है वो आपका चेंज होते रहता है। लेकिन अभी जो मैं पैसेज दे रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण पैसेज है, अगर यहाँ से उठा दिया तो इन्हीं में से उठाएगा, इसीलिए इन्हीं को ज्यादातर फोकस करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इनका प्रश्नों का उत्तर भी देख सकते हो, तो ये रहा, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखो, सेकेंड का, यहाँ पे कुछ प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। अगर मैं सबका पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग देख लो, ठीक है। आपके पास की गाइड कुंजी जो भी है, की गाइड में मिलेगा नहीं, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में ये प्रश्न मिलेगा, तो वहां से आपको क्या करना है उसमें टिक करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। दो ये हो गया, एक हो गया ये, इसके आने के चांसेस थोड़ा सा अभी ज्यादा लग रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। ये रीड केयरफुली वही वाला है, तो देन आई कैन स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कूल
नहीं स्कॉलर्स लिखा है, ठीक है, पेनल ये वाला यहाँ तक इसका है और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, ये रहा। अब इसके प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो देखो ये पहला प्रश्न, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चौथा तक, चार तक के है। अब बी में देखो इसका, तो ये रहा बी, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 चारों का उत्तर लगा हुआ है और कुछ प्रश्न यहाँ पे और है, इनका भी उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद देखो ये वाला, ये भी आपको देख लेना है। ये अगला जो पैसेज है ये है, और ये बुक से संबंधित पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे इनका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है सारे प्रश्नों का। और ये रहा दूसरा टॉपिक का उत्तर, और इसके कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है ना, 5 नंबर का पूरा प्रश्न देख लेना, ठीक है, ये हो गया। और ये तीसरा टॉपिक का है, तीसरा, और ये रहा इनका उत्तर तक के। और ये वाला जो प्रश्न है ये भी आपको देख लेना है, ये वाला डैडी वास है ना, ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ तक के इसका पैसेज और इनके प्रश्नों का उत्तर यहाँ है, ये रहा प्रश्न। और कुछ प्रश्न और भी है यहाँ पे, इसका उत्तर यहाँ पे लगा है, ये देखो ये सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये रहा चौथा और यहाँ तक के, बस इसमें इतना ही है। तो 5 प्रश्न इसमें देखना है, इन 5ों में से अगर आएगा तो 1 2 तो आना ही आना है यहाँ से, मुझे पता है 1 2 आएगा ही आएगा। अब 12 अंक के देख लेते हैं, ठीक है, अनसीन जो बाहर से आता है, तो बाहर से आने वाले को हम क्या कहते हैं, अनसीन पैसेज है ना, अनसीन वाला पैसेज है। तो ये जो है हिमालय वाला, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो 2018 में आया था, 2022 में भी आया था, उसके बाद 2023 में नहीं आया था क्योंकि ये लगातार तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन 2024 में ये रिपीट हो सकता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको देख लेना, ये आसानी से आपको मिल जाएगा और ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में ही मिलेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये सन में आया, तो सन में आया, तो सन में आए हुए प्रश्नों को ना जरूर दिखाता है परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार, इसलिए ये आपको आसानी से मिल जाएगा, देखना, ठीक है। इसका पूरा प्रश्न दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये सन में आया है। एक ये हो गया। देखो बहुत सारे प्रश्नों को मैंने टिक किया था, लेकिन मैं सबको आपको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे दूसरा ये है, ठीक है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 2019 के सी सेट में आया था, ठीक है, हेलेन केलर वास बर्न वाला है ना, इसको देख लेना, ठीक है, ये आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है, इसमें 12 नंबर मिलेगा आपको, अगर ये सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये 12 नंबर है, 12 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा है, ये वाला भी आपको देख लेना है, तीन हो गया, और कौन सा है, तीन, इसमें है तो बहुत सारे लेकिन ज्यादा नहीं देखेंगे, 3 1 4 ये वाला देखना है, इंडिया न्यूजीलैंड वाला है ना, फार्मर वाला, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये 2018 और 22 के सेट में आया है। और कौन सा है, ये 1 डे वाला है, कम से कम 5 6 देख लेना, कम से कम 5 6, मैं यहाँ पे 5 6 दे रहा हूँ, आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है पैसेज जो है यहाँ से नहीं आएगा, तो आप सोच लो कि कहीं से भी नहीं आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, न्यूटन से संबंधित है और पेपर के दिन तो हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सा आएगा। इसके बाद ये अंतिम है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड लिखा हुआ 2019 के सेट में आया था, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर जो पैसेज होते हैं जो किसी सन में आए हैं ना, उनको ज्यादातर उठाते हैं, अगर वो सन में आया हुए, मतलब जो सन में आया है, अगर उसे नहीं उठाता है प्रश्नों को, तो डायरेक्ट नया प्रश्न ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको फोकस करना है इसमें पैसेज में, इन्हीं को फोकस करना है। अगर ये 12वीं होता है ना, तो 12वीं होता तो कोई भी कंडीशन में रिपीट नहीं होता, 10वीं में होता है रिपीट, 12वीं में नहीं होता है, तो 12वीं वालों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है।
ठीक है, अब निबंध पे चर्चा कर लेते हैं। देखो निबंध, निबंध मैं दो बोला था आप लोगों को, एक तो है वंडर ऑफ साइंस का, ये हमेशा आते रहता है, वंडर ऑफ साइंस आते ही रहता है, ठीक है, और दूसरा है माय हॉबी। तो मैं आपको दो निबंध ऐसे ही बता सकता हूँ, ठीक है, निबंध में आते हैं। तो एक तो होता है वंडर ऑफ साइंस का और एक होता है माई हॉबी का, तो दो आपको पता चल गया जो हमेशा आने वाला है, ये फिक्स रहता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रश्नों का उत्तर है ना। तो प्रश्नों के उत्तर में देखो, इस अध्याय में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने, मैं बता देता हूँ। तो पेट्रियोटिज्म वाला जो अध्याय है ना, देशभक्ति वाला, इसमें देखो ये पहला प्रश्न, ठीक है, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म वाला है, आपको देखना है, इसको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न ये वाला देखना है, ठीक है, नेशनल एसम से संबंधित है, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है इस अध्याय से। तीसरा प्रश्न ये वाला है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो बता रहे हैं इन्हीं से ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है, जो जो मैंने टिक किया है और जिनको आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना, पूरा प्रश्न यहीं से रहेगा, कोई भी नया प्रश्न ऐड नहीं होगा इसमें। तो ये फिक्स प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपको देख लेना है इसमें, चौथा और ये पांचवा देख लेना है। पांच प्रश्न हो गया, ये आसानी से परीक्षाबोध परीक्षा सार में मिल जाएगा, और ये छठवा प्रश्न भी है ये वाला। अब ये जो दूसरा अध्याय है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी का टॉपिक है क्या, मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखो हाउ हाउ द लिटिल काइट, नहीं अदर अलग है, ठीक है, तो लर्न टू फ्लाई कह रहा है। तो इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, देखो ये पहला प्रश्न आपको पढ़ना है, ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न, ये तीन हो गया। इसके बाद आपको डायरेक्ट है ना, ये छठवा प्रश्न पढ़ना है, छठवा प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेसन जो है वो क्या है, ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है, ये रीडिंग का सी सेक्शन है, ये पहला है कैलाश सत्या क्या है, कैलाश सत्यार्थी है ना, इसके है। ये दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, ये वाला। तीसरा प्रश्न ये है, और है इसमें प्रश्न क्या, नहीं बस बहुत सारे प्रश्न है, 8-9 प्रश्न, लेकिन इसमें तीन ही प्रश्न आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा देखो, ठीक है, ये हॉमर्स वाला जो है ना, इसमें से देखना है। तो ये रीडिंग सेक्शन वन का है ना, रीडिंग वन, तो देखो द नेवर नेवर नेस्ट वाला है, इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। तो ये जो पहला है ना, ये आण जाने वाला, देखो ये वाला, ठीक है, इसको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न इसको आपको पढ़ना है, और ये जो तीसरा प्रश्न जो है ना, इसमें जो ये 9वां प्रश्न है इसको आपको पढ़ना है, और ये अंतिम प्रश्न है ये वाला, ठीक है। सबको नहीं पढ़ना है, सब सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप देख सकते हो, ये है, इसमें 4 प्रश्न है, तो 10 प्रश्न, लेकिन 4 प्रश्न ही बस पढ़ना है, ठीक है। अब रीडिंग बी देखो, रीडिंग बी दिया हुआ है, रीडिंग बी में आपको कौन कौन से पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस कह रहा है ना, तो इसमें कौन कौन से पढ़ना है, इसमें सिर्फ एक प्रश्न पढ़ना है, नहीं, हाँ एक प्रश्न, एक प्रश्न ये वाला बस पढ़ना है, ठीक है, ये वाला बस। व्हाट वाज बैंकर्स ऑफ अबसेंट द डे बिफोर, ठीक है, ये वाला प्रश्न आएगा, तो सिर्फ यही प्रश्न आएगा। इसके बाद देखो रीडिंग सी से, ठीक है, रीडिंग सी से आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो रीडिंग सी में जो है एक प्रश्न है, ये वाला बस, ये वाला बस आपको देखना है। इसके बाद है, ठीक है, इंक्लूजन वाला जो है ना, समावेश वाला टॉपिक है, देखो द गर्ल हु आस्क्ड वाई कह रहा है, तो इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है इसको आपको पढ़ना है, दूसरा प्रश्न भी राइट पड़ा है इसको भी आपको पढ़ना है, तीसरा प्रश्न ये वाला इसको भी आपको पढ़ना है, और ये चौथा प्रश्न इसको भी आपको पढ़ना है। 4 प्रश्न हो गया, बस 4 ही इसमें है पढ़ने के लिए। इसके बाद देखो रीडिंग बी दिया हो ना, इसमें से आपको कौन कौन सा पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो पहला प्रश्न है ये आपको पढ़ना है, नहीं दूसरा है ना, पहला तो यहाँ पे है, पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है, पहला प्रश्न इसको आपको पढ़ना है, दूसरा प्रश्न इसको आपको पढ़ना है, और एक प्रश्न और है ये वाला, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, इसमें इतना ही है। अब रीडिंग सी देखते हैं, इसके रीडिंग सी में आपको कौन कौन सा पढ़ना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो ये पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है,
इसको भी आपको पढ़ना है, तीसरा को भी पढ़ना है, चौथा को भी पढ़ना है, पांचवा को भी पढ़ना है, ये छठवा को भी पढ़ना है आपको, और ये रहा सातवां प्रश्न, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ये जो चौथा लेसन है ना, चौथा जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, इसका रीडिंग ए देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो रीडिंग एक है, मतलब ए है, इसमें पहला प्रश्न आपको ये वाला पढ़ना है, दूसरा प्रश्न ये वाला पढ़ना है, और ये तीसरा प्रश्न भी ये वाला पढ़ना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको जितना अच्छे से तैयार करना है उतना अच्छे से कर लेना, ठीक है। पैसेज को आपको छोड़ना नहीं, जो पैसेज मैंने दिया है उन पैसेजों को आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा प्रश्न और ये पांचवा प्रश्न। इसके बाद रीडिंग सी जो है, रीडिंग सी, ठीक है, रीडिंग सी को देख लो। रीडिंग सी के टॉपिक में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो रीडिंग सी में आपको ये पहला प्रश्न देखना है और डायरेक्ट ये पांचवा प्रश्न, ये वाला, बस ये दोनों प्रश्न बस इसमें पढ़ना है। फिर आते हैं पांचवा टॉपिक में, है ना। पांचवा टॉपिक जो है एडवेंचर से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये तीसरा पढ़ना है, ये चौथा वाला पढ़ना है, और एक यहाँ पे ये छठवा है ना, इसको आपको पढ़ना है। और इसमें प्रश्न पढ़ना है क्या, नहीं, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। इसके बाद रीडिंग जो बी है, ठीक है, ये देखो सुम्बा से संबंधित है, एडवेंचर से, इसमें आपको ये दूसरा प्रश्न पढ़ना है, ये वाला दूसरा प्रश्न है, एक मिनट दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है और ये सातवां प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है। फिर रीडिंग सी में आते हैं, तो रीडिंग सी आप देख सकते हो, रीडिंग सी में आपको ये पहला प्रश्न पढ़ना है, दूसरा प्रश्न पढ़ना है, ये तीसरा प्रश्न भी पढ़ना है, और चौथा भी, यहाँ पे देखो चौथा भी दिया हुआ है, तीसरा चौथा प्रश्न। इसके बाद डायरेक्ट ना आते हैं आठवां प्रश्न में, ये आठवां प्रश्न आपको पढ़ना है, हाँ बस इसमें इतना ही है, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी नोटिस बचा हुआ है आपका, है ना, नोटिस है। पोएट्री से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, आपको पता है ना, 5 नंबर का वो भी रहेगा, जैसे अनसीन पैसेज आता है ना, तो पैसेज टाइप से पैसेज ही रहेगा वो भी एक प्रकार से, लेकिन पोएट्री से संबंधित रहेगा। और आपका लेटर बचा हुआ है, ठीक है, लेटर बता देंगे। तो जो जो बचा है टॉपिक ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता देंगे।